दस विविध। भारत में प्रथम महिला। एक, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दो, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तीन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बा रायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश ए फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा मनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एन लम्सडेन हॉकी 1961 ईस्वी में। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंज रानी ग्रैंड ओल्ड लेडी। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कामिनी रॉय 1886 ईस्वी। प्रथम महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु 1883 ईस्वी। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला अमेरिकी नागरिक। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। दो, भारत में प्रथम पुरुष। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आरडी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवलकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे 19 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोस होमी कपारिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सेन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सी वी रमन भौतिकी में, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय एआर रहमान, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप, ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन, पाक स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय सिरप्पा अंग दोरजी, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फैयान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे, 1991 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट डेविड आइजन हावर, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड एमसी मिलॉन, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए वल्गरीन, प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा 1951 ईस्वी, ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल 2008 में, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स ए डिक्की, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स ए हिक्की। 3. भारत में प्रथम अन्य 1. भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी, भारत का प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, भारत का प्रथम मानवीय केंद्र तारापुर, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली 1951 ईस्वी में, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982, प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्माता फाल्के 1912 ईस्वी में, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा आर्देशर ईरानी 1931 ईस्वी में, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चालन, प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बगान कोलकाता 1889 में, प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1884 ईस्वी में, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में। 4. भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं ऊंचा 1. सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना, सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली, सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली, सबसे ऊंची चोटी गडविन ऑस्टिन K2, सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा कर्नाटक,
सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैक रोड, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर, सबसे ऊंची मूर्ति गुमतेश्वर कर्नाटक, सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिंहराम मेघालय, सबसे बड़ा लीबर पुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल 10.75 मीटर, सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता, सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र, सबसे सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र, सबसे लंबा रेल मार्ग जम्मू से कन्याकुमारी, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात 1200 किलोमीटर, खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील उलर झील जम्मू कश्मीर, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा, भारत का सर्वोच्च सर्वसम्मान परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा, सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर, सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर भाखड़ा नांगल, सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व तापी, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम, सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेटेनियम कोलकाता, सबसे बड़ा तारामंडल लेह लद्दाख, सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से भोपाल। दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वहाँ पे खड़गपुर नहीं होगा, वहाँ पे आप लोग का गोरखपुर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना खड़गपुर, लेकिन खड़गपुर नहीं होगा गोरखपुर होगा जो बदल गया है। 5 विश्व में प्रथम, 1 एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति सेरप्पा तेजिंग भारत तथा सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड, 2 उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी USA, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन नॉर्वे, विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेल सेन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला फ्रैन फेन कनाडा, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा, प्रथम फुटबॉल विश्वकप जीतने वाला देश उरुग्वे, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो, वाइवान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु, विश्व का चारों समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलैन, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात्सेन, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा जापान, सर्वाधिक पशु वाला देश भारत, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग USA,
अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव रूस। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोल मिड्रा। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मॉर्गेट बैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। विश्व का किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस। एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला जुंको तेबाई जापान। ब्रिटेन की पहली रानी जेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया स्टेला रजाबेल अर्जेंटीना। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन निकलसन। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अमेग जी मेंडर। विश्व कोष संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पेस एस्पेओसिपस एथेंस। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वाओ। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियाई व्यक्ति आर्यर एस। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रोधि सल्ली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जया हेनरी दुनांत एवं फ्रेडरिक पर्सी। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति डब्ल्यू के रुएंटजेन। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जे एच बेंटहॉफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति ए ई वान बेहरिंग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनर फ्रिस एवं जॉन टीन बर्गज। 6 विश्व में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा एवं ऊंचा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या का देश चीन। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन 13 देशों के साथ। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र। सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से अमेजन दक्षिण अमेरिका। सबसे छोटी नदी डी नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे विशाल खारी मेक्सिको की खारी। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन की सहायक नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी। अंतरसागरीय नदी क्रोमवेल धारा। सबसे लंबा मुहाना ओच नदी का मुहाना रूस। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस। सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील अमेरिका। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस। झील के अंदर झील बेनीटू कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायन टिटिकाका दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा लैगून लैगोआ हॉस पैटोस ब्राजील। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना साल्टो एंजिल कैरोना नदी वेनेजुएला। सबसे बड़ा जलप्रपात गुआयरा एल्टो पराना नदी। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड एवं वेफिन द्वीप। सबसे संकरा जल डमरू मध्य यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ।
सबसे विशाल जलसंधि टटार जलसंधि रूस एवं सकालिन द्वीप के मध्य। सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल। सबसे ऊंचा पर्वत सागर सबसे ऊंची पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार पामीर तिब्बत का पठार। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टामरान ब्रुनेई। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडर दक्षिण अमेरिका। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की उज्बेकिस्तान। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल भारत जो अब गोरखपुर हो गया है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबी रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौदोर बोलिविया। सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग जापान। सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत। सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना भारत। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर बेने युआन तिब्बत। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलिविया। सबसे विशाल दलदल प्रीपेट दलदल साइबेरिया क्षेत्र। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश बोस्टक अंटार्कटिका। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी अरब। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत। सबसे बड़ा गिरजाघर वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन इटली। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस इटली। सबसे बड़ा टावर सीएन टावर टोरंटो कनाडा। सबसे लंबा दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टारहो स्टेडियम प्राग चेक। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरड्रोम क्यूसी यानो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिंह मेघालय भारत। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को रूस। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब। सबसे बड़ी गुंबज ल्यूसियाना सुपर डोम सुपर होम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे विशाल मंदिर अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो अब बदल गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी होगा भारत। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड वर्फीला नेशनल पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम सियाझाकी जापान। सबसे बड़ा राजा प्रसाद इंपीरियल पैलेस बीजिंग चीन। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत पेट्रागम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे लंबा वृक्ष सिकोबा का वृक्ष कैलिफोर्निया। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु बुलुवेल। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे अधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी। 7 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। 1 झुकी हुई मीनार स्थान पीसा देश इटली। पार्थेनियन स्थान एंथेस देश यूनान। ग्रेट वॉल स्थान उत्तर चीन देश चीन। पिरामिड स्थान गीजा देश मिस्र। पवन चक्की स्थान किंडर डिज्ग देश डेनमार्क। ताजमहल स्थान आगरा देश भारत। क्रेमलिन स्थान मॉस्को
देश रूस, इंपीरियल पैलेस, स्थान टोक्यो, देश जापान, ओपेरा हाउस, स्थान सिडनी, देश ऑस्ट्रेलिया, एफिल टावर, स्थान पेरिस, देश फ्रांस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्थान न्यूयॉर्क, देश यूएसए। 8 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत चिन्ह अशोक चक्र, डेनमार्क का चिन्ह समुद्री तट, बांग्लादेश का चिन्ह वाटर लिली, नीदरलैंड का चिन्ह शेर, यूके का चिन्ह सफेद लिली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का चिन्ह गोल्डन रॉड, इटली का चिन्ह सफेद लिली, ऑस्ट्रेलिया का चिन्ह बैटल, न्यूजीलैंड का चिन्ह कीवी, सर्दन क्रॉस फर्न, तुर्की का चिन्ह चांद तारा, नॉर्वे का चिन्ह शेर, फ्रांस का चिन्ह लिली, ईरान का चिन्ह गुलाब का फूल, स्पेन का चिन्ह ईगल, जापान का चिन्ह गुलदाउदी, कनाडा का चिन्ह मैपल लीफ, रूस का चिन्ह डबल हेडेड ईगल। 9 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, 1 मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के बीच में है, मैगनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है, मैनराहिम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है, रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है, उत्तरी समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच में है, डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। 10 मानचित्र की रेखाएं, 1 समलंब रेखा समलवन रेखा आइसोहेलिन मानचित्र पर खींची गई यह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान स्वतंत्रता पाई जाती है। समदाब रेखाएं आइसोबार्स समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। 3 समगहरी रेखाएं आइसोबार्स समान गहराई के समुद्र को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। 4 आइसोफाइव्स लाइंस समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। 5 समवर्षा दर्शक रेखा आइसोहाइलेट्स समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। समान रेखा आइसोप्लेथ यह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। 7 संपूर्ण रेखा आइसोहेल यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। 11 प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, 1 यूएसए एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी, रूस का तास, इटली का अंसा, भारत का समाचार भारती, जापान का क्योडो, ईरान का इरना, फिलिस्तान का वाफा, रूस का नेवोवस्ती, मिस्र का मैना, भारत का यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ब्रिटेन का राइटर्स, मलेशिया का बरनामा, इजराइल का इतीम, भारत का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, चीन का सिन्हुआ, इंडोनेशिया का अंतारा, जर्मनी का डीपीए, ऑस्ट्रेलिया का एएफपी, पाकिस्तान का यूपीपी, भारत का यूनिवार्ता, यूएसए का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी। 12 प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, 1 ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन
ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन, व्हाइट बुक पुर्तगाल चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, व्हाइट पेपर ब्रिटेन व भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट, वुड बुक ब्लू बुक ब्लू ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन, येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन, ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। 13 विभिन्न देशों के सार्वजनिक दल, देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, इराक बाथ पार्टी, इजराइल लेबर पार्टी, लिक्विड पार्टी, हदास पार्टी साम पार्टी, फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, ऑस्ट्रेलिया का लिबरल पार्टी लेबर पार्टी, बांग्लादेश का बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग जातीय पार्टी, नेपाल का नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी, चीन का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीलंका का यूनाइटेड नेशनल पार्टी फ्रीडम पार्टी, दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी इकाथा फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड किंगडम का कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रूस का लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रसाज चौराग कम्युनिस्ट पार्टी, भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तान का मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। 14 प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। 1 कलम का संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, कलम का फूल कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक, लाल झंडा क्रांति के या खतरे का सूचक, काला झंडा विरोध का प्रतीक, पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, सफेद झंडा संधि या गमर्पण का प्रतीक, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक, हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत, आंखों पर बंदी पट्टी और हाथ न्याय का प्रतीक, में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक, बाह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक, एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपरी बिजली का प्रतीक, चक्र प्रगति का प्रतीक, ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। 15 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, कनाडा गंजा ईगल, जापान आइब्रिस, न्यूजीलैंड कीवी, यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेडब्रेस्ट, भारत बाघ। 16 विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, देश अफगानिस्तान, विमान सेवा एरियाना अफगान एयरलाइंस, संक्षिप्त नाम AAA, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड एवन एंड नदर्न टेरिटरी एरियल सर्विस, संक्षिप्त नाम QANTAS, बेल्जियम नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस संक्षिप्त नाम MABENA, म्यांमार विमान सेवा यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज संक्षिप्त नाम UBA, पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज संक्षिप्त नाम EAA, फ्रांस एयर फ्रांस AF, ग्रीस ओलंपिक और एयरवेज OA, हांगकांग
कैथी पैसिफिक एयरवेज CPA, हंगेरियन एयरलाइंस मालेव MALEB, भारत एयर इंडिया AI, इंडोनेशिया गरुड़ इंडोनेशियल एयरवेज GIA, ईरान एयर IA, आयरलैंड आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर लिगनम, इजराइल EIAI, इटली इटालियन एयरलाइंस हेलिटेलिया, जापान एयरलाइंस JAL, कुवैत एयरलाइंस KA, लेबनान मिडिल ईस्ट एयरलाइंस MEA, नेपाल रॉयल नेपाल एयरलाइंस RNA, नीदरलैंड KLM, रॉयल डच एयरलाइंस KLM, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, फिलीपींस एयरलाइंस PAL, पोलैंड पोलिश स्टेट एयर सर्विस LOT, रोमानिया ट्रांसपोर्टरे एरिनो रोमाने तारोम TARON, एस्काडेनेमिया एयर सिस्टम SAS, सिंगापुर एयरलाइंस SIA, रूस एरोपलोट, श्रीलंका एयरलंका AL, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश एयरवेज और JAT BA और JAT, संयुक्त राज्य अमेरिका पैन अमेरिकन एयरवेज PAA, स्पेन इबीरिया पनामा कोपा। 17 विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, द टाइम्स प्रकाशन स्थल लंदन, डेली मिरर प्रकाशन स्थल लंदन, ली फिगारो प्रकाशन स्थल पेरिस, इज्वेस्तिया प्रकाशन स्थल मास्को, डॉन कराची, द आइलैंड कोलंबो, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल हरम काहिरा, मडेका जकार्ता, गार्डियन लंदन, डेली मेल लंदन, लामांद पेरिस, परावदा मास्को, डेली न्यूज न्यूयॉर्क, ला रिपब्लिकन रोम, इंडिपेंडेंट लंदन, पीपुल्स डेली बीजिंग, द हिंदू चेन्नई, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, बांग्लादेश और ऑब्जर्वर ढाका, स्टार जोहान्सबर्ग, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, माइनेची सिंबल टोकियो, खारिज टाइम्स दुबई। 18 विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट देश चीन, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया KGB या GRU रूस, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5M6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड किंगडम, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान, रिसर्च एंड एनालिसिस विग रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI भारत, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA, मोसाड इजराइल, मुखबरात मिस्र, नाइची जापान, सवाक ईरान, अलमुखरात इराक। 19 विभिन्न देशों की संसद, भारत संसद का नाम संसद, मिस्र पीपुल्स असेंबली, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, ब्रिटेन पार्लियामेंट, जर्मनी बुंडेस्टैग, USA कांग्रेस, बांग्लादेश जातीय संसद, ताइवान युआन, इजराइल नेसेट,
जापान डायट, मालदीव मजलिस, स्वीडन रिक्सडॉग, नॉर्वे स्टॉर्टिंग, आयरलैंड डेलायरन, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, स्पेन कोटेल, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, रूस ड्योमा, चीन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस नेशनल असेंबली, ईरान मजलिस, भूटान त्योगदो, मलेशिया दीवान निगारा, अफगानिस्तान सोरा, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली, पोलैंड सोजिम, मंगोलिया खुरल, डेनमार्क फोलकेटिंग, कनाडा पार्लियामेंट। 20. संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के वाल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 192 है। 192वां देश मोंटेनेग्रो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहेटन द्वीप में बना है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय सन 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा के प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है 2 जैतून की चक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व की मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषाएं 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा को है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत 0.341% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इनके निम्न 6 अंग हैं: 1 महासभा जनरल असेंबली, 2 सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप, 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 6 सचिवालय सेक्रेटेरिएट। नोट: नीदरलैंड्स में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। 1 महासभा। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व के लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ 1 ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के 3rd मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक
नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों के सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना और आदि महासभा के कार्य हैं। सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य अंग है और यह एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारण बस एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। इसके 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकने भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया। एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। 12 में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्य संख्या की 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 को संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य 4 राज्य का एक ही प्रतिनिधित्व होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम है, 1 आर्थिक और रोजगार आयोग, 2 जनसंख्या और यातायात आयोग, 3 संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। इस परिषद के कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए हैं, एशिया 13 देश, अफ्रीका 13 देश, पूर्वी यूरोप 6 देश, पश्चिमी यूरोप 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई 8 देश। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन थी। इस परिषद में सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोक के तंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। 4 परन्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति के ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित और अधिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उन्हें विकास में पूरी सहायता दें और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो पाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत ट्रस्ट समझते हुए करें, इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। न्यास परिषद के वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। 5 सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का मुख्य प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 1 त्रिगवेली नार्वे, कार्यकाल फरवरी 1946 ईस्वी से नवंबर 1952 ईस्वी तक। विवरण, नवंबर 1952 ईस्वी में स्वयं पद से इस्तीफा दिया। 2 डेग हैमरशोल्ड स्वीडन, कार्यकाल अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 ईस्वी तक। विवरण, सितंबर 1961 ईस्वी में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु। 3 यूथांट म्यांमार, कार्यकाल नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 ईस्वी तक। नवंबर 1961 ईस्वी में कार्यवाहक महासचिव एवं 1962 ईस्वी में महासचिव बनाए गए। 4 कुर्त वाल्देहिम ऑस्ट्रिया, कार्यकाल जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 ईस्वी तक। विवरण, लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। 5 जेवियर पेरेज द कुयार पेरू, कार्यकाल जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 ईस्वी तक, लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। 6 बुतरस घाली मिस्र, कार्यकाल जनवरी 1992 से 1996 ईस्वी तक, 1 कार्यकाल पूरा किए। 7 कोफी अनान घाना, जनवरी 1997 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक, लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। 8 पान की मून दक्षिण कोरिया, जनवरी 2007 से। नोट, संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरीन इटली में स्थापित किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 6 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संबंधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय का कोरम कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। इस न्यायालय में भारत के नगेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा आर एस पाठक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अधिकरण एवं अन्य संगठन, संगठन अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, स्थापना वर्ष 1865 ईस्वी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, भूमिका दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सार्वभौम डाक संघ UPU, स्थापना वर्ष 9 अक्टूबर 1874 को समान डाक अभिसमय पर हस्ताक्षर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बना। मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड, भूमिका लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, स्थापना वर्ष 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, भूमिका श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 ईस्वी में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला। विश्व पर्यटन संगठन WTO, स्थापना वर्ष 1925 ईस्वी, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन, भूमिका पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों का प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, स्थापना वर्ष 7 दिसंबर 1944 ईस्वी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा, भूमिका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना,
तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उसका निदान प्रस्तुत करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अप्रैल 1945 ईस्वी रोम विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। विश्व बैंक स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी, मुख्यालय Washington DC। भूमिका उत्पादन एवं विकास परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ IMF स्थापना वर्ष 27 दिसंबर 1945 ईस्वी, मुख्यालय Washington DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भूमिका सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की मजबूती। यूनेस्को स्थापना वर्ष 4 नवंबर 1946, मुख्यालय पेरिस फ्रांस। भूमिका विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO स्थापना वर्ष 17 मार्च 1948 ईस्वी, मुख्यालय लंदन ब्रिटेन। भूमिका नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना वर्ष 7 अप्रैल 1948 ईस्वी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। भूमिका विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। भूमिका मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण का प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकीर्ण IAEA स्थापना वर्ष 29 जुलाई 1957 ईस्वी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। भूमिका परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO स्थापना वर्ष 9 नवंबर 1966 ईस्वी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। भूमिका विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO स्थापना वर्ष 1967 ईस्वी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। भूमिका बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष स्थापना वर्ष 13 जून 1976 ईस्वी, मुख्यालय रोम। विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1995 ईस्वी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT स्थापना वर्ष 19 नवंबर 1996 ईस्वी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW स्थापना वर्ष 29 अप्रैल 1997 ईस्वी, मुख्यालय द हेग नीदरलैंड। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास निर्माण भंडारण तथा प्रयोग को रोकना। 21 विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन। एक विश्व व्यापार संगठन World Trade Organization। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौरे के वार्ता में शामिल किया गया है और 1994 में मोरक्को में मर्राकेश में पारित किया गया था। नवंबर 2001 ईस्वी के दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक पास्कल लार्मी हैं जो फ्रांस के हैं। WTO के सदस्य संख्या 153 है। केप वर्डे WTO का 53वां सदस्य है।
दो यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन ईयू। 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस जर्मनी इटली बेल्जियम नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन के बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। 9 से 10 दिसंबर 1991 को नीदरलैंड के मॉस्ट्रिच नगर में 12 यूरोपीय देशों ने एक संधि मॉस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कर यूरोपीय संधि संघ को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं, ये हैं ऑस्ट्रिया बेल्जियम डेनमार्क फिनलैंड फ्रांस जर्मनी यूनान आयरिश गणराज्य इटली लग्जमबर्ग नीदरलैंड पुर्तगाल स्पेन स्वीडन यूनाइटेड किंगडम पोलैंड हंगरी स्लोवेनिया स्लोवाकिया लिथुआनिया चेक गणराज्य एस्टोनिया साइप्रस माल्टा लटविया बुल्गारिया एवं रोमानिया। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचलन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के संगठन यूरोपियन कमीशन मुख्यालय ब्रुसेल्स, 2 यूरोपियन पार्लियामेंट मुख्यालय ब्रुसेल्स, 3 द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज मुख्यालय लग्जमबर्ग, 4 द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स मुख्यालय लग्जमबर्ग। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरो 15 यूरो क्षेत्रों की मुद्रा हो गई है। ब्रिटेन स्वीडन एवं डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। नोट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में है। 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की स्थापना 1975 में की गई थी। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन ELDO के स्थान पर यूरोप के 18 देश इसके सदस्य हैं। इसके कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 4 नाफ्टा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा और मेक्सिको का क्षेत्रीय संगठन है। नाफ्टा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा और मेक्सिको 2015 तक अपने यहाँ व्यापार पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटाकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएंगे। नाटो द नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो उत्तर एटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान समय में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 28 सदस्य राज्य शामिल हैं। बेल्जियम कनाडा चेक रिपब्लिक डेनमार्क फ्रांस जर्मनी यूनान हंगरी आइसलैंड इटली लग्जमबर्ग नीदरलैंड नॉर्वे पुर्तगाल पोलैंड स्पेन टर्की ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका लाटविया लिथुआनिया एस्टोनिया स्लोवाकिया स्लोवानिया बुल्गारिया रोमानिया अल्बानिया एवं क्रीसिया। 1949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग हैं। परिषद 1 यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्य के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। 2 प्रतिरक्षा समिति इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। 3 उप परिषद यह नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। 4 सैनिक समिति इसमें आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB इसकी स्थापना 1966 में की गई। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। इसका 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन DC में है।
7 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट OECD 1948 ईस्वी में गठित यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। 8 आसियान। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1969 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। 9 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। G8 ग्रुप 8 10। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस। 20 से 22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन के रूस को G7 का देश सदस्य बनाया गया। 11 अरब लीग। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 ईस्वी को हुई, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें प्रमुख है मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन आदि। 12 पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग काउंट्रीज ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। वर्तमान समय में इसका सदस्य देशों की संख्या 12 है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर एवं अंगोला। नोट, गैबोन ने 1994 ईस्वी में व इंडोनेशिया ने 2008 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता त्याग दी। 13 रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जिनेवा में की। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 ईस्वी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है। 14 राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 ईस्वी में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। 29 नवंबर 2009 को सदस्य बनने वाला रवांडा इसका सबसे नया सदस्य है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। 15 गुटनिरपेक्ष दल NAM। गुटनिरपेक्ष देशों की पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 118 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। 16 स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS। CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 ईस्वी को बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। 21 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दो, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान ने अल्माटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। 1993 ईस्वी में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन 2008 ईस्वी में इसने सदस्यता त्याग दी। वर्तमान में सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 10 राष्ट्र CIS के सदस्य एवं यूक्रेन सहभागी सदस्य हैं। एस्तोनिया, लटविया एवं लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने।
सीआईएस का मुख्यालय मिंस्क बेलारूस में है। 22 विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। 1 गैट मुख्यालय जिनेवा, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, एशियाई विकास बैंक मनीला, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान जकार्ता, नाटो ब्रुसेल्स, अफ्रीकी एकता संगठन ओएयू आदिस अबाबा, रेड क्रॉस जिनेवा, सार्क काठमांडू, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप नैरोबी, इंटरपोल पेरिस लुआस, विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा, अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS वाशिंगटन DC, अरब लीग काहिरा, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कोमेकॉन मास्को, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC जिनेवा, यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC जिनेवा, अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA आदिस अबाबा, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA बगदाद, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो वियना, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD जिनेवा, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC लुसाने, यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM जिनेवा, चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन चोगम स्ट्रासबर्ग, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC वियना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA जिनेवा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC जिनेवा, यूरोपीय संसद लक्जमबर्ग, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO पेरिस, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय यूराटोन ब्रुसेल्स, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग SCAP बैंकॉक, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। 23 समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक 1990 से 1999 तृतीय निशस्त्रीकरण दशक, 1995 से 2004 ईस्वी मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक, 1997 से 2006 ईस्वी निर्धनता उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक, 2001 से 2010 ईस्वी उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2001 से 2010 ईस्वी विश्व के बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2001 से 2010 नशाखोरी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक, 2003 से 2012 ईस्वी साक्षरता दशक, 2005 से 2015 ईस्वी जीवन के लिए जल हेतु कार्यवाही दशक। 24 समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वॉलंटियर वर्ष 2021 ईस्वी, मानसिक रोग उन्मूलन वर्ष WHO 2021 ईस्वी, सभ्यताओं के बीच संवाद कर संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2021 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय वर्ष 2002 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन वर्ष 2002 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष 2003 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म शाख का वर्ष 2005 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष तथा माइक्रो क्रेडिट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2005 ईस्वी, आर्थिक सुधार वर्ष IMF द्वारा घोषित 2006 ईस्वी, उभरते बाजारों का वर्ष IFC द्वारा घोषित 2006 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष 2007 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी ग्रह वर्ष 2007 से 2009 ईस्वी, अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष, स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता वर्ष, भाषा वर्ष 2008 ईस्वी, प्राकृतिक फाइबर वर्ष 2009 ईस्वी, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ष 2010 ईस्वी, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 2010 ईस्वी। नोट, 2010 भारत में टाइगर ईयर के रूप में मनाया गया। 14 फरवरी को टाइगर डे एवं जिम कार्बेट पार्क में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन आयोजन किया गया। 25 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 21 मार्च से प्रारंभ, लोगों की नस्लवाद एवं नस्ली भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में एकजुटता के लिए सप्ताह, 25 मई से प्रारंभ, गैर स्वशासी प्रदेशों की जनता के साथ एकजुटता के लिए सप्ताह, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह,
24 से 30 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सप्ताह, 26 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जनवरी में 1 लुईस ब्रेल दिवस, 5 जनवरी विश्व हास्य दिवस, 10 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, 12 जनवरी थल सेना दिवस, 15 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस, 30 जनवरी भारत पर्यटन दिवस, 25 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, 26 जनवरी सर्वोदय दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 30 जनवरी फरवरी में गुलाब दिवस, 12 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, 14 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस, 24 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी मार्च में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च औद्योगिक संरक्षा की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च सीआरपीएफ बल की स्थापना दिवस, 12 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च अयोध्या निर्माण दिवस, 18 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च राम मनोहर लोहिया जयंती, 23 मार्च विश्व टीवी दिवस, 24 मार्च ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, 24 मार्च बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, 26 मार्च गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस, 25 मार्च विश्व थिएटर रंगमंच दिवस, 27 मार्च अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस, 14 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 23 अप्रैल मई में विश्व श्रमिक दिवस, 1 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई विश्व प्रवासी परीक्षी दिवस, 8 मई विश्व रेडक्रॉस दिवस, 8 मई अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, 9 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई विश्व संग्रहालय दिवस, 18 मई विश्व नर्स दिवस, 12 मई विश्व परिवार दिवस, 15 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 17 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई जैविक विविधता दिवस, 22 मई माउंट एवरेस्ट दिवस, 29 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस, 31 मई जून मलेरिया निरोधी माह, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व रक्तदान दिवस, 15 जून मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस, 6 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोविस का जन्म दिवस, 29 जून जुलाई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, 1 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विद्या चंद्र राय का जन्म दिवस, 1 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस, 26 जुलाई अगस्त में 1 विश्व स्तनपान दिवस, 1 अगस्त विश्व युवा दिवस, 12 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त ध्यानचंद के जन्मदिन पर, सितंबर में 1 शिक्षक दिवस, 5 सितंबर राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर हिंदी दिवस, 14 सितंबर विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस, 14 सितंबर अभियंता दिवस, 15 सितंबर संचायिका दिवस, 15 सितंबर ओजोन परत रक्षण दिवस, 16 सितंबर आरपीएफ की स्थापना दिवस, 20 सितंबर विश्व शांति दिवस, 21 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर अक्टूबर में 1 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 3 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 4 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस, 6 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, 10 अक्टूबर जयप्रकाश जयंती, 11 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 14 अक्टूबर
विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। नवंबर में एक विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर, विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। दिसंबर में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, झंडा दिवस सशस्त्र बलों का 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, CRPF का स्थापना दिवस 26 दिसंबर। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल स्थान एवं राज निर्माण करता, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र, निर्माणकर्ता बौद्ध द्वारा, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र, निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट द्वारा, अजंता की गुफाएं मुंबई औरंगाबाद महाराष्ट्र, निर्माणकर्ता गुप्त शासक द्वारा, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र, निर्माणकर्ता बौद्ध द्वारा, कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश, निर्माणकर्ता चंदेल रजाओ ने, मदन महल जबलपुर मध्य प्रदेश, निर्माणकर्ता राजा मदन शाह, मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश, निर्माणकर्ता राजा मानसिंह तोमर, धार का किला धार मध्य प्रदेश, निर्माणकर्ता मोहम्मद तुगलक, गोलकुंडा का किला हैदराबाद आंध्र प्रदेश, निर्माणकर्ता कुतुब शाही, कोचिन का किला केरल, निर्माणकर्ता पुर्तगालियों द्वारा, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान, निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा, कुतुब मीनार दिल्ली, निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक, ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान, निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक, हौज खास दिल्ली, निर्माणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद दिल्ली, निर्माणकर्ता गयासुद्दीन तुगलक, किशोर सागर कोटा राजस्थान, निर्माणकर्ता राजकुमार धीरदे, आना सागर अजमेर राजस्थान, निर्माणकर्ता अरुणो राज, फिरोजशाह कोटला दिल्ली, निर्माणकर्ता फिरोजशाह तुगलक, बूंदी का किला बूंदी राजस्थान, निर्माणकर्ता राजा नगर सिंह, हिलती मीनारे अहमदाबाद गुजरात, पिछोला झील उदयपुर राजस्थान, ककरिया झील अहमदाबाद गुजरात, सुल्तान कुतुबुद्दीन निर्माणकर्ता, दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान, निर्माणकर्ता सुल्तान गयासुद्दीन, मेहरगढ़ दुर्ग जोधपुर राजस्थान, निर्माणकर्ता राव जोधा जी, गगरून का किला झलवार राजस्थान, निर्माणकर्ता झलवार एस्टेट, मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान, निर्माणकर्ता महाराजा विनय सिंह, फतेह सागर उदयपुर राजस्थान, निर्माणकर्ता महाराणा फतेह सिंह, जय समंद उदयपुर राजस्थान, निर्माणकर्ता महाराणा जय सिंह, डिग महल डिग राजस्थान, निर्माणकर्ता राजा बदन सिंह, सहेलियों की बारी उदयपुर राजस्थान, निर्माणकर्ता महाराणा फतेह सिंह, रानी की बियारी
बूंदी राजस्थान, निर्माणकर्ता रानी नाथवती। छत्रमहल बूंदी फोर्ट राजस्थान, निर्माणकर्ता रानी छत्रसाल। जूनागढ़ किला बीकानेर राजस्थान, निर्माणकर्ता राजा जयसिंह। कानपुर महल धौलपुर राजस्थान, निर्माणकर्ता शाहजहां। अनिरुद्ध का महल बूंदी फोर्ट राजस्थान, निर्माणकर्ता राजा अनिरुद्ध सिंह। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, सवाई जयसिंह। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान, निर्माणकर्ता सवाई जयसिंह। जगमोहन महल कोटा राजस्थान, निर्माणकर्ता राजकुमार ब्रजकुमार। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान, निर्माणकर्ता राजा सूरजमल सिंह। हवा महल जयपुर राजस्थान, महाराजा प्रताप सिंह। सुख निवास बूंदी राजस्थान, निर्माणकर्ता राजा बिसेन सिंह। उम्मेद भवन जोधपुर राजस्थान, निर्माणकर्ता महाराजा उम्मेद सिंह। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में भी किया गया था। आरामबाग आगरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता बाबर। लाल किला दिल्ली, निर्माणकर्ता शाहजहां। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, निर्माणकर्ता हाजी बेगम। शालीमार बाग श्रीनगर, निर्माणकर्ता जहांगीर। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई तमिलनाडु, निर्माणकर्ता ईस्ट इंडिया कंपनी। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार, निर्माणकर्ता शेरशाह के पुत्र। डच महल केरल, निर्माणकर्ता पुर्तगालियों द्वारा। फतेहपुर सिकरी आगरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता अकबर। आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता अकबर। पुराना किला दिल्ली, निर्माणकर्ता शेरशाह सूरी। सती बुर्ज मथुरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता राजा भगवान दास। जहांगीर महल आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता जहांगीर। अकबर का किला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता अकबर। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर, निर्माणकर्ता अली मर्दान खां। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता नूरजहां। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता शाहजहां। निशांत बाग जम्मू कश्मीर, निर्माणकर्ता आसफ खां नूरजा के भाई। चीनी का रौजा आगरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता शाहजहां। शीश महल आगरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता शाहजहां। खास महल आगरा उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता शाहजहां। दीवाने खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, शाहजहां। हाईकोर्ट मुंबई महाराष्ट्र, निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता नवाब आसफ उदौला। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता मोहम्मद अली शाह। टीपू का महल बंगलोर कर्नाटक, निर्माणकर्ता हैदर अली टीपू सुल्तान। लालबाग बंगलोर कर्नाटक, निर्माणकर्ता हैदर अली टीपू सुल्तान। गोलघर पटना बिहार, निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार। पादरी की हवेली पटना बिहार, निर्माणकर्ता फादर कापुचिन। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल, निर्माणकर्ता लॉर्ड क्लाइव। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, निर्माणकर्ता औरंगजेब। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली, निर्माणकर्ता शुजाउ दौला। जंतर मंतर दिल्ली, निर्माणकर्ता राजा स्वाई जयसिंह। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु, निर्माणकर्ता विवेकानंद रॉक। बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल, निर्माणकर्ता स्वामी विवेकानंद। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता मोतीलाल नेहरू। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड। शांतिनिकेतन पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर। तारापुर का मछलीघर मुंबई महाराष्ट्र। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात, निर्माणकर्ता महात्मा गांधी। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र, निर्माणकर्ता जॉर्ज पंचम। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र, निर्माणकर्ता जॉर्ज विठल क्लार्क। जिम कार्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड, निर्माणकर्ता
सर मेलकम हेले, इंडिया गेट नई दिल्ली निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार, राष्ट्रपति भवन दिल्ली निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार, अफगान चर्च मुंबई महाराष्ट्र निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार, बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान, चार मीनार हैदराबाद आंध्र प्रदेश निर्माणकर्ता कुली कुतुब शाह, कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु निर्माणकर्ता पल्लव राजा, मान मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश निर्माणकर्ता राजा मानसिंह तोमर, कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा निर्माणकर्ता गंगा देव, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश निर्माणकर्ता चंदेल रजाओ ने, चेन्ना केशव मंदिर बैलूर विष्णुवर्धन, लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश निर्माणकर्ता चंदेल रजाओ ने, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान निर्माणकर्ता बिमल शाह, गोविंद देव का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, विष्णुपद मंदिर गया बिहार निर्माणकर्ता रानी अहिल्याबाई, हर मंदिर पटना बिहार निर्माणकर्ता महाराजा रंजीत सिंह, स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण पक्ष छत अमृतसर पंजाब निर्माणकर्ता महाराजा रंजीत सिंह, काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल निर्माणकर्ता रानी रासमोनी, जैन मंदिर अजमेर राजस्थान निर्माणकर्ता सेठ मूलचंद सोनी, रंग जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, शाह जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली निर्माणकर्ता बिरला परिवार, द्वारिकाधीश का मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश निर्माणकर्ता ग्वालियर के भक्त, खिड़की मस्जिद दिल्ली निर्माणकर्ता गयासुद्दीन तुगलक, शेरशाही मस्जिद पटना बिहार निर्माणकर्ता परवेश शाह, मक्का मस्जिद हैदराबाद आंध्र प्रदेश निर्माणकर्ता कुली कुतुब शाह, पत्थर की मस्जिद पटना बिहार निर्माणकर्ता परवेश शाह, पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर नूरजहां, जामा मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश निर्माणकर्ता शाहजहां, मोती मस्जिद आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश निर्माणकर्ता शाहजहां, जामा मस्जिद दिल्ली निर्माणकर्ता शाहजहां, गोली मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट औरंगजेब, हजरत बल मस्जिद श्रीनगर कश्मीर, चरार ए शरीफ श्रीनगर कश्मीर जैनुल ओबेदीन निर्माणकर्ता, नखोदा मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल निर्माणकर्ता डब्ल्यू इमर्सन डिजाइन, केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली हर्बर्ट बेकर डिजाइन, इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनाया था। 28 भारत की प्रतिरक्षा। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। 1 थल सेना आर्मी, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 6 कमांड में बांटा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है। कमांड मुख्यालय पश्चिमी कमांड शिमला, उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। 2 जल सेना नेवी, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना का 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई, दक्षिणी कमांड कोची। 3 वायुसेना एयरफोर्स, इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है।
पूर्वी कमांड शिलांग, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड बंगलोर। कमीशन्ड ऑफिसरों की पद श्रेणियाँ स्थल सेना जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। वायुसेना एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। जलसेना एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। 29 भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान थल सेना आर्मी प्रशिक्षण संस्थान नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थान खरगवासला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इन्फेंट्री स्कूल मऊ, आर्टिलरी स्कूल देवलाली, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, आर्म्ड सेंटर अहमदनगर। वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर, पराटूपर ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल आगरा, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बंगलोर, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एलिमेंट्रा फ्लाइंग स्कूल बिदर। नौसेना प्रशिक्षण संस्थान ISS चिल्का भुवनेश्वर, INS तासीर कार्स विशाखापट्टनम, INS शिवाजी लोनावाला, IN बेंदुर्थी कोच्चि, इंडियन नॉवल एकेडमी कोच्चि। नोट अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित में दिया जाता है, अग्निशमन राज्यों का मामला है। 30 भारत में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। नेशनल कैडेट कोर NCC, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। प्रादेशिक सेना, इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इससे सेना को बुलाया जाता है। गृह रक्षा वाहिनी, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की सहायता करना, हवाई हमले के दौरान सहायता करना, आग तथा बीमारी के दौरान हर प्रकार की सहायता करना है। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित करना है। मुख्यालय दिल्ली, असम राइफल्स, पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसके 46 बटालियन हैं। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोग का मित्र कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG, देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई। NSG UK के SAS और जर्मनी के GS3G9 कमांडो बल के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं और स्पेशल ग्रुप SRG जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। NSG कमांडो के आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों का हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF,
इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 28 दिसंबर 1949 के बाद से इसे CRPF कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र में CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज है, जहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। नोट, त्वरित कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स RAF CRPF का ही भाग है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए 1992 में की गई थी। सशस्त्र सीमा बल SSB 15 दिसंबर 2003 से पहले एक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 ईस्वी में किया गया था। इसका गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। SSB 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत SSB, इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम के सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पाइनियर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्य क्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ को और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। ITBP का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, क्रम, निष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। 4 विशेष बटालियनों सहित भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 29 बटालियन हैं। संगठन स्थापना वर्ष मुख्यालय असम राइफल्स, स्थापना वर्ष 1835 ईस्वी, मुख्यालय शिलोंग। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, स्थापना वर्ष 1939 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। होमगार्ड्स, स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी, मुख्यालय विभिन्न राज्यों में। राष्ट्रीय कैंडेट कोर NCC, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना TA, स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी, मुख्यालय विभिन्न राज्यों में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, स्थापना वर्ष 1962 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल BSF, स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड्स, स्थापना वर्ष 1978 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, स्थापना वर्ष 1984 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। राज्य पुलिस विभिन्न राज्यों में 31। प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस 1 जनवरी नागालैंड दिवस, 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस, 6 फरवरी जम्मू कश्मीर दिवस, 20 फरवरी मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस, 11 मार्च अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस, 1 अप्रैल उत्कल या ऊर्जा दिवस, 30 मार्च राजस्थान दिवस, 14 अप्रैल तमिलनाडु दिवस, 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश दिवस, 1 मई गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस, 16 मई सिक्किम दिवस, 1 नवंबर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं आंध्र प्रदेश दिवस, 19 दिसंबर गोवा दिवस। भारत के प्रमुख शोध संस्थान 1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल,
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, रमन अनुसंधान संस्थान बंगलोर, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रांबे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पुणे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, केंद्रीय कास्ट तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड्डी, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, भारतीय खगोल संस्थान बंगलोर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जालाहली, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। 33 भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। सितार, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी आदि। दो, तबला, जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अलारक्का खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फटियाज खां, सुखविंदर सिंह आदि। तीन, बांसुरी, पनालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी आदि। चार, सरोद, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राज चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा आदि। पाँच, शहनाई, बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर जयनाथ, अली अहमद हुसैन खां आदि। छ, भाईलीन, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकैरी बंधनाथन, टी एन कृष्णन आदि। सात, बीना, एस बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार, बी दरस्वामी अयंगर आदि। आठ, संतूर, भजन सोपारो, भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा आदि। नौ, पखारा वाज, उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि। दस, रुद्र बीना, उस्ताद सदीक अली खां, असद अली खां आदि। ग्यारह, मृदंग, ठाकुर बिकम सिंह, पलधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन आदि।
12 सारंगी उस्ताद बिंदु खा 13 नादव स्वरम शेख चिन्ना मौलाना राजरत्न पिलाई नीरू स्वामी पिलाई आदि 14 सिंह झनी जुबीन मेहता 34 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार 1 भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति सोनल मानसिंह रुक्मणी देवी अरुणेल टी बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम एस के सरोज रामगोपाल लीला सैमसन मीनालिनी साराभाई वैजयंती माला बाली मलविका सरकार प्रियदर्शनी गोविंद 2 कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति लक्ष्मी नारायण शास्त्री राधा रेड्डी राजा रेड्डी स्वप्न सुंदरी वेदांतम सत्यनारायण वेम्पति चेना सत्यम 3 ओडिसी संयुक्त पाणिग्रही सोनल मानसिंह किरण सहगल माधवी मृदुगल रानी कर्ण कालीचरण पटनायक इंद्रानी रहमान सेरोन लोवन यूएसए मीता बारवी अर्जेंटीना नृत्य गुरु मोहन महापात्र केलुचरण महापात्र पंकज चरण दास हरे कृष्ण बेहरा मयाधार रावत 4 कैकल्ली बलतोल नारायण मेनन उदय शंकर कृष्ण नायर शांता राव मीनालिनी साराभाई अनंत शिवरामन कृष्णन कुड्डी आदि 5 कथक बिरजू महाराज लच्छू महाराज सुखदेव महाराज सितारा देवी गोपी कृष्ण शोभना मान नारायण मलविका सरकार चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज अच्छन महाराज नारायण प्रसाद 6 मणिपुरी गुरु अमली सिंह आतंब सिंह नलकुमार सिंह झावेरी बहने दर्शन नैना सुवर्णा तथा रंजना झावेरी सविता मेहता कलावती देवी चारू माथुर सोनारिक सिंह गोपाल सिंह बिंबावती 7 मोदिनी अट्टम कल्याणी अपमा भारती शिवजी रागिनी देवी हेमा मालिनी श्री देवी संता राव तारा निडी गड्डी गीता गायक आदि नोट कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भारत पुन्ना स्थित केरल कलामंडलम में है 35 भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष 1 एशियाटिक समाज स्थापना वर्ष 1784 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना वर्ष 1861 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापना वर्ष 1881 केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय स्थापना वर्ष 1891 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण स्थापना वर्ष 1945 राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता स्थापना वर्ष 1948 संगीत नाटक अकादमी स्थापना वर्ष 1953 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थापना वर्ष 1954 ललित कला अकादमी स्थापना वर्ष 1954 साहित्य अकादमी स्थापना वर्ष 1954 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापना वर्ष 1959 36 राज्यों से संबंधित लोक नृत्य 1 झारखंड छऊ सरहुल जट जटिन कर्मा डांगा विदेशिया सोराई 2 उत्तराखंड गढ़वाली कुमायूं कजरी झोरा रसलीला चपादी 3 आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी शास्त्रीय घंटाम दरला मोहनी अट्टम शास्त्रीय कुंभी सिद्धि माधुरी छरी 4 छत्तीसगढ़ गौरी कर्मा झूमर डगला पाली उपाली नवरानी दीवारी 5 अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य युद्ध नृत्य आदि 6 हिमाचल प्रदेश धमान छपेली महाथू नट्टी डांगी चंबा थाली जैता डफ डंडा नाच आदि 7 गोवा मांडी झागोर खोल ढकनी आदि 8 असम बिहू बिछुआ नटपूजा महाराष्ट्र खेल गोपाल झुमरू होबजानाई कली गोपाल
नागा नृत्य, बुगुरुम्बा, अकिया नाट आदि। पश्चिम बंगाल काठी, गंभीरी, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन आदि। 10 केरल कथकली शास्त्रीय, ओट्टम, थुलाल मोहनी अट्टम शास्त्रीय, काली अट्टम, पादयानी। 11 मेघालय लाहो, बंगला आदि। 12 मणिपुर मणिपुरी शास्त्रीय, रखार, नटरास, महारास, राखत आदि। 13 नागालैंड चोंग, खैवा, लीम, नुरालीम आदि। 14 उड़ीसा ओडिसी शास्त्रीय, सवारी, धुमरा, पैंका, मुनरी, छऊ, आया आदि। 15 महाराष्ट्र लावनी, नक्टा, कोली, लेझिम, गप्फा, बोदा, गोरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पुआरा आदि। 16 कर्नाटक यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी, बिरगासे आदि। 17 गुजरात गरबा, डंडिया, टिपनी, जुरियनो, भवाई, रासलीला, लस्या, पनिहारी आदि। 18 पंजाब भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान आदि। 19 राजस्थान घूमर, घपाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गगनगौर आदि। 20 मिजोरम खनट्टम, पकुपीला, चेरोकोन आदि। 21 जम्मू कश्मीर राउफ, हिकात, मंदजास, कूदंडीनाच, दमाली आदि। 22 तमिलनाडु भरतनाट्यम शास्त्रीय, कुम्मी, कोलट्टम, कावरी आदि। उत्तर प्रदेश रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चद्दा, चचरी, जैता। 37 समाधि स्थल 1 राजघाट महात्मा गांधी, 2 बीरभूमि राजीव गांधी, 3 शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, 4 महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 5 विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, 6 नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा, 7 शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, 8 समता स्थल जगजीवन राम, 9 अभय घाट मोरारजी देसाई, 10 चेतरा भूमि बी आर अम्बेडकर, 11 किसान घाट चौधरी चरण सिंह, 12 एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। 38 प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम 1 सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफर खान, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू महात्मा गांधी, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाचा जवाहरलाल नेहरू, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ताऊ चौधरी देवीलाल, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, शहीद आजम भगत सिंह, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, माता बसंत एनी बेसेंट, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उड़न परी पीटी उषा, देशबंधु चितरंजन दास, निर्मल हृदय मदर ट्रेसा, दीनबंधु सी एफ एंडोज, विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तोता ए हिंद अमीर खुसरो, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तोता ए हिंद अमीर खुसरो, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबूजी जगजीवन राम, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, गुरुजी MS गोलवलकर, भारतीय मैकियावेली चाणक्य,
राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, स्पेरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, अंकल हो होपी मीन, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर, सुपर कैट क्लाइव लॉयड, वार्ड ऑफ हेवन विलियम शेक्सपियर, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज, भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडी राज गोविंद्र फाल्के, भारतीय इतिहास के निरीप निर्माता सैयद बंधु, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, महात्मा गांधी के पांचवे पुत्र जमना लाल बजाज, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेड स्टोन, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जोफ्री चार्सर, मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ टू, मेड ऑफ एलियंस जॉन ऑफ आर्क, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय, लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। 39 प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। 1 कुर्सी का स्थान, व्यक्ति नेपोलियन। 2 जेरूसलम, व्यक्ति ईसा मसीह। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध, लुम्बिनी गौतम बुद्ध, मैरिडोनिया सिकंदर महान, मक्का मोहम्मद साहब, ट्रेफलगर नेल्सन, वाटरलू नेपोलियन, जलियावाला बाग जनरल डायर, पोरबंदर महात्मा गांधी, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू, बरदोली सरदार पटेल, चित्तौर महाराणा प्रताप, फतेहपुर सिकरी अकबर महान, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप, पांडिचेरी अरविंद घोष, साबरमती महात्मा गांधी, बेलूर रामकृष्ण परमहंस, मकदूनिया सिकंदर महान, पवनार विनोबा भावे, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान, तलवंडी गुरु नानक, कुंडग्राम महावीर, सेवाग्राम महात्मा गांधी, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पावापुरी महावीर, कटक सुभाष चंद्र बोस, कुशीनगर गौतम बुद्ध, त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू। महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट, रेड गार्ड्स की स्थापना गैरी वाल्डी, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर, पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, ओरिवेले आश्रम पांडिचेरी की स्थापना अरविंद घोष, स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल, समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, आनंद बन की स्थापना बाबा आमटे, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। प्रमुख 41 प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों के 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पर ही
जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्केडियो निवन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 58,96,00,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। नोट, पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपने 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है, इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धन राशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास ये अधिकार होता है कि वह धन राशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी को 2 बचे को धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमर सोल्ट को 1961 ईस्वी में। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 या 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष के थे। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरिविक्यूज ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2007 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उस समय उम्र 90 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया। सीवी रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में इनके समाजसेवी संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। बी एस नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेंकटरमन राधाकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्ज और इजराइल की अदा ई एनोथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। नोट, 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति मैडम क्यूरी,
1903 में रेडियो सक्रिय था भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। लिनस पनील 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि युक्ति बीज में शांति के लिए। जॉन बार्डेन 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी का आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत भौतिकी के लिए। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इससे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं, और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 में एकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। महबूब खां की मदर इंडिया 1998 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन वाली फिल्म पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया हैं, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबोरा की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में 1957 मदर इंडिया, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म 1988 सलाम बॉम्बे, 2001 लगान, 2004 श्वास, 2005 पहेली, 2006 रंग दे बसंती। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: 1 शासकीय सेवा, 2 समुदाय नेतृत्व, 3 जनसेवा, 4 पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, 5 अंतर्राष्ट्रीय समझ। नोट: फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व इमर्जेंट लीडरशिप के लिए भी दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुवादित उत्कृष्ट तथा साहित्य के लिए विश्व भर में किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत £60,000 की राशि प्रदान की जाती है। मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक कृति वर्ष, B.S. नायपाल कृति इन ए फ्री स्टेट वर्ष 1971, सलमान रुश्दी कृति मिडनाइट चिल्ड्रेन वर्ष 1981, अरुंधति राय कृति द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स वर्ष 1997, किरण देसाई कृति द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस वर्ष 2006, अरविंद अदिगा कृति व्हाइट टाइगर वर्ष 2008। ग्रैमी पुरस्कार
ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें प्रति वर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली की एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्वमोहन भट्ट को मिला। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार, 1970 में प्रारंभ किया गया यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कलिंग पुरस्कार, यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिज्जू पटनायक की थी। अब यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपये की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। 42 राष्ट्रीय पुरस्कार, गणतंत्र दिवस पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न। यह कला साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी के मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। 3 पद्म पुरस्कार है। 1 पद्म विभूषण, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। 2 पद्म भूषण, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि, पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि। 1 नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति सभी 1901 से एवं अर्थशास्त्र 1969 से के क्षेत्र में 7 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर। 2 पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1970 से $10,000। 3 ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में 1929 से। 4 कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से £1,000। माइन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से £60,000। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000। भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए
दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में 1968 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपये। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 5 लाख रुपये। सरस्वती सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपये। वाचस्पति पुरस्कार, संस्कृत साहित्य से उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपये। शंकर पुरस्कार, भारतीय दर्शन संस्कृति तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपये। व्यास सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपये। द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 1985 से 5 लाख रुपये। अर्जुन पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में 1961 से 5 लाख रुपये। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 से 7.5 लाख रुपये। भटनागर पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपये। धनवंतरी पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलॉग पुरस्कार, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1992 से। वीरता पुरस्कार, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न प्रकार है। एक, परमवीर चक्र, यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन तथा आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांच का बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्रवज अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा रहता है। पदक को सैनिक अपने कमीज के बाई और बैगनी रंग के रिबन से लगाता है। दो, महावीर चक्र, यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल एवं वायु के दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके एक और 5 कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। पदक सफेद तथा केसरी कलर का होता है। तीन, वीर चक्र, यह तृतीय श्रेणी से वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल एवं वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक और 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र एवं दूसरी ओर कमल अंकित होता है। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। विशिष्ट सेवा मंडल मेडल, यह सेना के कर्मचारियों का असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। नोट, पदक के साथ वीर को मासिक वजीफा भी दिया जाता है। अशोक चक्र, यह पदक थल, जल और नव में साहस, पराक्रम या आत्मबलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। जीवन रक्षा पदक, डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। 43, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 1954 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, 1955 डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोसगुड्डम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1957 पंडित गोविंद वल्लभ पंत, 1961 राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग बामन काने, 1966 लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले में प्रथम, 1971 इंदिरा गांधी, 1975 वराह वेंकट गिरी, 1976 कुमार स्वामी कमराज मरणोपरांत, 1980 मदर टेरेसा, 1983 आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत, 1987 खान अब्दुल गफार खान, 1988 मखदूम गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत, 1990 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत, नेशनल नेल्सन मंडेला, 1991 राजीव गांधी मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत,
मुरारजी देसाई, 1992 जीआरडी टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत सत्यजीत रे, 1997 अरुणा आसफ अली मरणोपरांत गुलजारीलाल नंदा मरणोपरांत एपीजे अब्दुल कलाम, 1998 एमएस सुबा लक्ष्मी सी सुब्रमण्यम जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत, 1999 प्रोफेसर अमर्त्य सेन पंडित रविशंकर एवं गोपीनाथ बरदोलोई मरणोपरांत, 2001 लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्ला खान, 2003 भीमसेन जोशी। नोट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 44 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, वर्ष 1965 पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरुप कृति आडा कुजाई मलयालम, 1966 पुरस्कार विजेता तरशंकर बंदोपाध्याय कृति गण देवता बंगला, 1967 के बी पुट्टप्पा व उमाशंकर जोशी कृति रामायण दर्शनम कन्नड़ निषिद्ध गुजराती, 1968 सुमित्रा नंदन पंत कृति चिदंबरा हिंदी, 1969 फिराक गोरखपुरी कृति गुल ए नगमा उर्दू, 1970 विश्वनाथ सत्यनारायण कृति श्रीमद रामायण कल्प वृक्षम तेलुगु, 1971 पुरस्कार विजेता विष्णु डे कृति स्मृति सत्ता भविष्यत बंगला, 1972 रामधारी सिंह दिनकर कृति उर्वर्सी हिंदी, 1973 गोपीनाथ मोहंती एवं डी आर बेंद्रे कृति माली मटाल उरिया चार तार कन्नर, 1974 विष्णु सखा खांडेकर कृति ययाति मराठी, 1975 ए बी अकिल अकिल नदम कृति चित पावन तमिल, 1976 श्रीमती आशापूर्ण देवी प्रथम महिला कृति प्रथम प्रति श्रुति बंगला, 1977 डॉक्टर के शिवराम करंत कृति मुखजिया कनसुगल कन्नर, 1978 डॉक्टर सच्चिदानंद हीरा स्मंद वसायन अगे कृति कितनी नावों में कितनी बार हिंदी, 1979 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य कृति मृत्युंजय असमिया, 1980 एसके पोटकट कृति ओरु दशातीने कथा मलयालम, 1981 अमृता प्रीतम कृति कागज ते कैनवास पंजाबी, 1982 महादेवी वर्मा कृति यामा हिंदी, 1983 वेंकटेश अयंगर कृति चिकवीर राजेंद्र तुलगु, 1984 पुरस्कार विजेता तक्षी शिवशंकर पिल्लई कृति कायर मलयालम, 1985 पुरस्कार विजेता पन्नालाल पटेल कृति मनमेनी भवाई गुजराती, 1986 सच्चिदानंद राउत राय कृति उड़िया साहित्य, 1987 विष्णु बामन सिरवाड़कर कृति मराठी साहित्य, 1988 डॉक्टर सी नारायण रेड्डी तेलुगु साहित्य, 1989 कुरतुल एन हैदर कृति उर्दू साहित्य, 1990 विनायक कृष्ण गोकाक कन्नड़ साहित्य में, 1991 सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला साहित्य, 1992 नरेश मेहता हिंदी साहित्य, 1993 डॉक्टर सीताकांत महापात्र उड़िया साहित्य, 1994 प्रोफेसर यू आर राव कन्नड़ साहित्य, 1995 एम टी वासुदेव नायर मलयालम साहित्य, 1996 श्रीमती महाश्वेता देवी बांग्ला साहित्य, 1997 अली सरदार जाफरी उर्दू साहित्य, 1998 गिरीश कर्नाड कन्नड़ साहित्य, 1999 निर्मल वर्मा एवं गुरुदयाल सिंह हिंदू एवं पंजाबी साहित्य, 2000 इंदिरा गोस्वामी असमिया साहित्य, 2001 राजेंद्र केशव लालसा गुजराती साहित्य,
2002 डी जयकातन तमिल साहित्य, 2003 बिंदा करंदीकर मराठी साहित्य, 2004 रहमान राही कश्मीरी साहित्य, 2005 कुंवर नारायण हिंदी साहित्य, 2006 रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री कोंकणी एवं संस्कृत साहित्य क्रमशः, 2007 एबीएन कुरूप मलयालम साहित्य, 2008 शहरयार उर्दू साहित्य। 45 दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, वर्ष 1969 देविका रानी रोरिक, वर्ष 1970 वीरेंद्रनाथ सरकार, 1971 पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत, 1972 पंकज मलिक, 1973 सुलोचना रूबी नायर, 1974 बी एन रेड्डी, 1975 धीरेन गांगुली, 1976 कानन देवी, 1977 नितिन बोस, 1978 रायचंद्र बोराल, 1979 सोहराब मोदी, 1980 पी जयराज, 1981 नौशाद अली, 1982 एल बी प्रसाद, 1983 दुर्गा खोटे, 1984 सत्यजीत राय, 1985 वी शांताराम, 1986 बी नागा नागी रेड्डी, 1987 राज कपूर, 1988 अशोक कुमार, 1989 लता मंगेशकर, 1990 अकिलेनी नागेश्वर राय, 1991 भालजी पेंढारकर, 1992 भूपेन हजारिका, 1993 मजरू सुल्तानपुरी, 1994 दिलीप कुमार, 1995 डॉक्टर राजकुमार, 1996 शिवाजी गणेशन, 1997 कवि प्रदीप, 1998 बी आर चोपड़ा, 1999 ऋषिकेश मुखर्जी, 2000 आशा भोसले, 2001 यश चोपड़ा, 2002 देवानंद, 2003 मृणाल सेन, 2004 अडूर गोपाल कृष्णन, 2005 श्याम बेनेगल, 2006 तपन सिन्हा, 2007 मनाडे, 2008 बीके मूर्ति, 2009 डी रमा नायडू। 46 प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक, ए प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तक, लेखक पुस्तक विष्णु शर्मा पंचतंत्र, रसखान प्रेमवाटिका, मुद्रक मृक्ष कटिकम, वात्सायन कामसूत्र, जीमूत वाहन दायभाग, मिलने नेचुरल हिस्ट्री, दंडी दस कुमार चरितम, आवती सुंदरी, अश्वघोष बुद्ध चरितम, बाणभट्ट कादंबरी, अमर सिंह अमरकोश, फिरदौसी सहनामा, सूरदास साहित्य लहरी सूरसागर, गुलबदैन बेगम हिमाऊनामा, भतृहरि नीति शतक श्रृंगार शतक बैरण्य शतक, नीरद चंद्र चौधरी हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, पाणिनी अष्टाध्यायी, वेदव्यास भगवत गीता महाभारत, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, कलहन राजतरंगिणी, चाणक्य अर्थशास्त्र, कालिदास कुमार संभवम, रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम, जयदेव गीत गोविंद, भवभूति मालती माधव उत्तर रामचरित, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, अबुल फजल आइन अकबरी अकबरनामा, कबीरदास बीजक रमायणी सबद, अलबरूनी किताबुल हिंद, मुल्कराज कुल्ली कन्फेंसस ऑफ ए लवर, आनंद द डेथ ऑफ ए हीरो, कुलदीप नायर जजमेंट डिस्टेंट नर्वस, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू बिटवीन द लाइंस, रवींद्रनाथ टैगोर चित्रांगदा, गीतांजलि विसर्जन, गार्डनर हंगरी हंगरी स्टोन्स,
गोरा चंडालिका। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, अमृता प्रीतम डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास 49 डेज, खुशवंत सिंह इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन दिल्ली, विजय तेंदुलकर सखाराम बाइंडर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडियन फिलॉसफी, इंदिरा गांधी इटर्नल इंडिया, जयशंकर प्रसाद कमायनी आंसू लहर, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन एसेज ऑफ गीता, सूचकांत त्रिपाठी अनामिका परिमल, महादेवी वर्मा यामा, नयनतारा सहगल एडवाइस ऑफ फ्रीडम, बी एस नेपाल एरिया ऑफ डार्कनेस, काजी नजरुल अग्निबीना, शिवानंद डिवाइन लाइफ, प्रेमचंद गोदान गमन कर्मभूमि रंगभूमि, बी एम कॉल अनटोल्ड स्टोरी कॉन्फ्रेडेशन विथ पाकिस्तान, अगे कितनी नावों में कितनी बार, सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स, यशपाल दादा कॉमरेड, सुमित्रा नंदन पंत पल्लव चिदंबरा, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र उर्वशी, आर के नारायण द डार्क रूम मालगोडी डेज गाइड माई डेज, मुरारजी देसाई नेचर क्योर, देवकीनंद शास्त्री देवकीनंद खत्री चंद्रकांता, शरद चंद्र देवदास चरित्रहीन, बी प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तक, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड एज आई सी इट, ऑथर हेले एयरपोर्ट, सेमुल हर्स प्राइस ऑफ पावर, दांते डिवाइन कॉमेडी, होमर ओडिसी इलियोड, हेनरी मिलर ट्रैपिक ऑफ कैसर, न्यूटन प्रिंसिपिया, जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट, प्लेटो रिपब्लिक, गुनार मिडल अगेंस्ट द स्ट्रीम एशियन ड्रामा, जॉर्ज ऑरवेल फार्म हाउस एनिमल पार्क, शेक्सपियर कॉमेडी ऑफ एरर्स एज यू लाइक इट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, हेमलेट किंग लायर ओथोले, जेड ए भुट्टो ग्रेट ट्रेजेडी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन, एपिल कार्ट आर्म्स एंड द माइन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, हेराल्ड जे डायलेमा ऑफ आवर टाइम, लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, मैक्सिम गोर्की मदर, माओ तसे तुंग ऑन कंट्राडिक्शन, एडोल्फ हिटलर मिन कैम्प, ए एल वासम द वंडर दैट वाज इंडिया, अरस्तु पॉलिटिक्स, डायना मोस्की द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ई एम फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया, एज डब्ल्यू लकफेलो साम ऑफ लाइफ, हेराल्ड मैकमिलन राइजिंग द स्टॉर्म, कैथरीन मेथो मदर इंडिया, जेम बेरी हिंदू सिविलाइजेशन, रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैकियावेली द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार, चार्ल्स डार्विन डिसेंट ऑफ मैन, चार्ल्स डिकिंस ए टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, एडवर्ड थॉम्पसन फेयरवेल टू इंडिया, जेके गॉलवेथ द चाइना पैसेज, द नेचर ऑफ मास पॉवर्टी, एम्बेसडर्स जनरल द ट्रंप, बिमसेट चर्चिल गैदरिंग स्टॉर्म्स हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस। सी नवीनतम विख्यात पुस्तक एवं उसके लेखक,
पीवी नरसिम्हा राव पुस्तक द इनसाइडर, अरुण शौरी इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेस ऑन रिलीजन, सिद्धार्थ रामफल इंस्पायरेबल ह्यूमैनिटी, डॉक्टर सादिक हुसैन तारीख है मुजाहिदीन, स्टेनले कल्लापा के मिशन टू इंडिया, मैडोना सेक्स, पीरियल लैपिंग्स एड ऑफ एम्पायर, मिखाइल गोपा चो पीस हैज नो अल्टरनेटिव, डेरेक वालकट इन अदर लाइफ, तस्लीमा नसरीन लज्जा फुरेसी प्रेमिक, गीता मेहता ए रिवर सूत्रा, वेद मेहता द स्टोलन लाइट, मदर टेरेसा डाउन द मेमोरी लेन, जगमोहन माई फ्रोजन टेबुलेस इन कश्मीर, सी सुब्रमण्यम टर्निंग पॉइंट, एम एफ हुसैन संसद उपनिषद, टी एन शोषण डिजनरेशन ऑफ इंडिया, यू आर अनंतमूर्ति सरकार, पोप जॉन पॉल टू क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ हाफ ऑफ होप, लेमी फर्स्टवर्थ इंडिया गेट, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की रेप्टिली राय है, संसद के तीन दशक, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, डेरेक वालकट इन ए ग्रीन नाइट या ओमेरास, एम जी अकबर इंडिया द सीज विद इन, तारिक अली कैन पाकिस्तान सर्वाइव, शशि अहलूवालिया नेताजी एंड गांधी, डोमिनिक लेपियर द सिटी ऑफ जॉय, विक्रम सेठ सूटेबल बॉय गोल्डन गेट या टू लाइव्स, एन एस सक्सेना इंडिया टुवर्ड्स एनार्की, थॉमस कोनोली सिंडल्स रिस्ट, नवीन चावला मदर टेरेसा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन दस द्वार से सोपान तक, बीपी मल्लिक कारगिल फॉर्म सरप्राइज टू विक्ट्री, बेंजीर भुट्टो डॉटर ऑफ द ईस्ट, जनरल के सुंदरजी ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, पी सी अलेक्जेंडर द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, के गोविंद कुट्टी सेशन ए इंटीमेंट स्टोरी, राजशेखर व्यास सुभाष चंद्र बोस कुछ अंत खुले पन्ने, डॉक्टर सीताकांत महापात्र बियॉन्ड द वार, सलमान रश्दी सैटेनिक वर्सेस क्यूरी, सोनिया गांधी राजीव, जोंग सान सू की फ्रीडम फॉर फ्रॉम फियर, लाल किशन आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ, कपिल देव स्टेट फ्रॉम द हार्ट, टॉम अल्टर द लॉन्गेस्ट रेस, रोमिला थापर सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री, मनोहर जोशी स्पीकर्स डायरी, अनीता देसाई फास्टिंग फिस्टिंग, टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ, एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स, मार्गरेट थैचर द पाथ टू पावर, एम एस स्वामीनाथन टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, मेनका गांधी हेड्स एंड टेल्स, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, गोरिस वेल्थसिन अगेंस्ट द ग्रेन, खालिद मोहम्मद टू बी और नॉट टू बी, हिलेरी रोथम क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री, तुषार गांधी लेट्स किल गांधी, खुशवंत सिंह बुरियल एट सी, झुंपा लाहिरी द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज, व्लादिमीर पुतिन फर्स्ट पर्सन, अमित चौधरी ए न्यू वर्ल्ड, बी एस नायपाल हाफ ए लाइफ, बी पी नाय कोयराला आत्मवृत्तांत से लेट लाइफ रिफ्लेक्शंस, सतीश गुजराल ए ब्रश विथ लाइफ, मेघनाथ देसाई रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी के साथ दोस्तों हम लोग का विविध खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट में खेलकूद स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, आप लोग शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।